तो आज की इस परिचर्चा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद ये विषय के बारे में बात करने का आज हम लोगों को ये मौका मिल रहा है, लगभग 2 साल के बाद। आखिरी बार जब हम लोग मिले थे तो लगभग 20 में, 20 अक्टूबर अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आज की ये जो परिचर्चा है ये हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला के द्वारा प्रायोजित है, और इसके साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं जो इस सारे विषय के ऊपर आज जानने के लिए, समझने के लिए और अपना विचार का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। बैरागी शब्द अपने आप में बड़ा एक सुंदर, संवेदनशील और परंपरावादी शब्द है, और बैरागी शब्द के जब आप आयाम खोलने लगते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इस तरह के प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस सारे विषय को हम कुछ सामान्य रूप से और कुछ विशेष रूप से इस सारे विषय को हम जानना और समझना चाहते हैं। इसके लिए आज हमने डॉक्टर राज सिंह वैष्णव जी, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उनको विशेष रूप से हमने आमंत्रित किया है मुख्य वक्ता के रूप में। और अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए हमने डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी को, जो कि निदेशक हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के, उनको हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है और हम उन दोनों का स्वागत करते हैं। उनका विशेष परिचय कराने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रश्नों को देखें। कॉलेजेस के नाम के नीचे और उसके नीचे जो बैरागी संप्रदाय का भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य को योगदान, इस विषय के नीचे कुछ प्रश्नों को ध्यान दीजिए। तो हमें बैरागी साहित्य और इतिहास का एक जो आधार है वो आधार हमें स्पष्ट होगा और हमें समझने का एक दृष्टि मिलेगी कि इस बैरागी साहित्य संप्रदाय संप्रदाय के साहित्य और इतिहास को हम कैसे समझें और संस्कृति को कैसे समझें। तो मुख्य प्रश्न हमारे हैं कि बैरागी होता कौन है, कौन होता है और उसका सजातीय, विजातीय और स्वगत लक्षण क्या है। सजातीय विजातीय से मेरा मतलब है, ये कास्ट सिस्टम से नहीं है। सजातीय और विजातीय का मतलब है कि वो दूसरे लोगों से, दूसरे संप्रदायों से भिन्न किस अर्थ में है, और साथ ही साथ वो अपने आप में, अपने जो समान धर्मालोक हैं उनसे भिन्न कैसे है, और साथ ही साथ उसके अपने लक्षण क्या हैं जिससे कि हम किसी को बैरागी होना कहते हैं। दूसरा मुख्य प्रश्न जो है, बैरागी संप्रदाय के मूल दार्शनिक और धार्मिक तत्व कौन कौन से हैं। तीसरा, बैरागियों का आचार व्यवहार जो है वो किस तरह का होता है जो उसको दूसरों से भिन्न करता है। चौथा प्रश्न जो मुख्य रूप से आज हम परिचर्चा में लेना चाहते हैं, बैरागी इतिहास का आरंभ बिंदु हम कहाँ से माने। हम सभी के एक सामान्य एक इच्छा होती है और प्रयास होता है कि हम हमेशा वेद से आरंभ करें इसको, लेकिन वेद में बहुत सारे बिंदु जो हैं वो स्पष्ट नहीं होते, और फिर पुराण और पुराणों से आगे आगे जितने संप्रदाय और विकसित होते हैं उनमें हमें कई तरह की जो है उलझने दिखाई देती हैं, वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। इसलिए ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि बैरागी इतिहास का हम आरंभ बिंदु कहाँ से स्वीकार करते हैं। बैरागी के वैदिक आधार, ये बात जैसे मैंने आप लोगों से कही है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी स्वीकार किया जाता है उसकी स्वीकृति जो है हमें वेदों से उपलब्ध होती है कि वेद को वो प्रमाण मानते हैं या नहीं मानते हैं। और छठा और अंतिम प्रश्न जो है आज की परिचर्चा का, कि बैरागी समाज के मुस्लिम और अंग्रेजों के काल में बलिदान क्या क्या रहे हैं, किस तरह के बलिदान रहे हैं और क्या उनको इतिहास में जगह मिली है या नहीं मिली है। तो ये इन 6 प्रश्नों पर आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे, बातचीत सुनेंगे, समझेंगे और अपनी दृष्टि का हम लोग विकास करेंगे। आज के मुख्य वक्ता और जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे मैं परिचय आप लोगों का करा दूं और उनका औपचारिक रूप से मैं स्वागत भी करता हूं। हालांकि ये उनका अपना ही वेबिनार है, अपनी ही परिचर्चा है, लेकिन फिर भी
सभी कॉलेजेस की ओर से और ग्रंथ अकादमी की ओर से मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर राज सिंह वैष्णव जी का, जो रीजनल डायरेक्टर हैं नॉर्दर्न रीजन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का, और इससे पूर्व वो चंडीगढ़ में थे, वहाँ पर भी डायरेक्टर के पद पर थे, और बैरागी समाज के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। और आप जानकर के हैरान होंगे कि पूरी तरह से टेक्निकल एजुकेशन होने के साथ साथ ये श्री खांडा में जो वहाँ पर मठ है, बैरागी मठ है, उसके ये महंत भी रहे हैं, उसकी परंपरा से ये संबंधित हैं। तो बहुत अद्भुत एक संयोग हमें देखने को मिलता है कि राज सिंह वैष्णव जी जहाँ बिल्कुल नितांत एक आधुनिक और टेक्निकल विषय के व्यक्ति हैं, साथ ही साथ वो किस तरह से बैरागी संप्रदाय से, बैरागी परंपरा से भी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ उनकी कई सारी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में मैं बाद में करूंगा, और विशेष रूप से जो उन्होंने बैरागियों के उत्थान में, बैरागियों का इतिहास लेखन में, बैरागियों की फिल्म बनाने में, बैरागियों के इंसाइक्लोपीडिया डेवलप करने में जो कुछ उन्होंने योगदान दिया है उसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पूर्व अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, जो कि निदेशक हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पंचकूला में, वो पूर्व जो हैं उनका बड़ा दीर्घ और अनुभव रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, संस्कृत के लिए वो दिन रात एक करते हैं और निरंतर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, 24/7 आप जब भी उनसे बात करना चाहें, कोई भी कार्य कहें तो वो तत्पर रहते हैं संस्कृत के उत्थान के लिए, विकास के लिए। और साथ ही साथ जो मुझे पहले नहीं पता था उनके बारे में, बड़ी अद्भुत बात है, और कल जो मुझे उनसे बात करते हुए पता लगा कि वो बैरागियों की पीढ़ी में 19वीं पीढ़ी के व्यक्ति हैं, 18 पीढ़ियां उनकी हो चुकी हैं और वो स्वयं 19वीं पीढ़ी के व्यक्ति हैं। ये एक अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जानकारी, और निश्चित रूप से इस जानकारी का और उनके इस दीर्घ परंपरा का हम आज अनुभव का जो है वो हम लाभ उठाएंगे और अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत और STSTRC सेंटर के द्वारा एक फिल्म प्रोड्यूस की गई थी, जिसके लिए सारी धनराशि और सारा सहयोग और सारा निर्देशन जो है डॉक्टर राज सिंह वैष्णव जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। और इस YouTube पर ये जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, ये उपलब्ध है, आप इसको सर्च कर सकते हैं एसेटिक रूलर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस नाम से, कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में बैरागियों ने युद्ध किए, अपनी जो है रियासतें बनाई, और किस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, और किस तरह से 1857 में बलिदान दिए हैं, और विशेष रूप से अंबाला का जो उसमें बलिदान उनके रहे हैं, सबसे पहले जो बलिदानी व्यक्ति थे वो बैरागी ही थे। तो उस सारे विषय के में चर्चा कर जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। दूसरी जो मुख्य बात है जहाँ पे मैं डॉक्टर राज सिंह वैष्णव जी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, कि आप ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर कि बंदा बैरागी के नाम से जो आप जानते हैं उर्फ बंदा सिंह बैरागी, उनके नाम पर एक आर्म्ड जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो हरियाणा में श्री खांडा में सोनीपत के पास, उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने जमीन भी उपलब्ध कराई है, और जिसका उद्घाटन जो है वो श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, उसकी आधारशिला रखी है और वो प्रोग्रेस कर रही है। और इसके बाद जो अभी मुझे पता लगा है, एक और भी इसी तरह की जो मार्शल एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, उसको वो एक और लड़कियों के लिए, हरियाणा की लड़कियों के लिए वो एस्टेब्लिश होने जा रही है बहुत जल्दी। तो इस तरह से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। और एक कॉन्ट्रीब्यूशन और मैं जरूर उनका गिनाना चाहूंगा कि उनके ही निर्देशन में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बैरागी सेक्ट का काम शुरू किया था। हालांकि वो काम बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर आपको ये काफ़ी सारी जानकारियाँ बैरागी साहित्य इतिहास के बारे में मिल सकती हैं, और जो कुछ अभी तक जो पहली 4 संगोष्ठियाँ हुई हैं उनकी भी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। कॉलेज की वेबसाइट में अगर आप बैरागी सेक्ट के नाम से देखेंगे या बैरागी इंसाइक्लोपीडिया के नाम से देखेंगे, तो कॉलेज की वेबसाइट पे आपको ये कई चीज़ें उपलब्ध होंगी
कई आर्टिकल्स वगैरह भी उपलब्ध होंगे। तो ये डॉक्टर साहब की डॉक्टर राज सिंह जी के निर्देशन में उनके सहयोग से उनके द्वारा ही ये सारी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी कॉलेज को 10 लाख की, जिसके माध्यम से ये सारी चीजों को हम आयोजित कर पाए और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बैरागी के बैरागी इंसाइक्लोपीडिया को अब निश्चित रूप से हम इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। तो लौट करके हम अपने विषय पर आते हैं, समय मैं अधिक नहीं लेना चाहता, लेकिन एक भूमिका के रूप में मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप ये देख सकते हैं कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 शिष्य थे जो विभिन्न जातियों से थे, जबकि हम क्रेडिट देना चाहते हैं आधुनिक भारत को कि भाई उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में बात की और इस तरह की सारी बातें की, लेकिन समाज को समता के स्तर पर लाने के लिए जो भक्ति मार्गियों का योगदान रहा है वो अपरिमित रहा है। इन्हीं 12 शिष्यों की आगे जो परंपरा रामानंदाचार्य जी की चली है उसमें हम देख पाते हैं कि बैरागी किस तरह से विकसित हुए। और बैरागियों को समझने के लिए आपको ये उनकी परिभाषाएं, उसकी कुछ शब्दावली जरूर पता होनी चाहिए, नहीं तो चाहे आप इतिहास के विद्यार्थी हैं चाहे लिटरेचर के, आप बैरागियों को नहीं पकड़ पाएंगे ना ही समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के संत सिपाही का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे बाद में पंजाब में और बहुत सारी जगह पर जिसका प्रभाव आप देखते हैं, वो हमें बैरागियों से मिलता है जिन्हें एसेटिक वॉरियर कहा जाता है। संत योद्धा का रूप जो है, वैष्णव शब्द अखाड़े शब्द, बावन द्वारे और बैरागी दर्शन, बैरागियों के मठ और इनके जो इष्ट देव हैं राम सीता लक्ष्मण हनुमान और बैरागियों की ग्रंथावली, बैरागियों का आचरण। बैरागियों के एक आचरण में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि कई तरह की किंवदंतियां बंदा बैरागी को लेकर के रही हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखें कि बैरागी मठ में आज भी जमीन पे सोया जाता है, उनके चारपाई नहीं होती। कोई भी बैरागी मठ में रहने वाला व्यक्ति चारपाई पे या बिस्तर पे नहीं सोता, उस जमीन पे ही सोता है वो। तो इसलिए कई तरह की जो भ्रामक किंवदंतियां फैल जाती हैं, बन जाती हैं, उन सबका निराकरण इस तरह के आचरण को जब आप देखते हैं, उनकी मर्यादाओं को देखते हैं, तो आपको वो सब पता लगता है। तो बैरागियों के बलिदान, इन सब विषयों के बारे में ये सारी परिभाषाएं अगर आपको पता होंगी, शब्दावली पता होगी, तो डॉक्टर साहब जो भी बात करेंगे उसको समझने में आसानी होगी। ये एक सामान्य बैरागी का चित्र होता है, शरीर पे आप देख सकते हैं ये जो एक तरह के तिलक है, वो तिलक कितना महत्वपूर्ण रहता है, जो कि राम सीता और के का द्योतक होता है, तो जिसकी व्याख्या मुझे लगता है डॉक्टर साहब बीच में करेंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये आपको मैं 2 डायनेस्टीज दिखाना चाहता हूँ, बैरागियों की 2 डायनेस्टीज रही हैं, रियासतें रही हैं, जो बाद में उन्होंने अर्पित कर दी भारत सरकार को कि भारत में विलय करने के लिए, एक नंदगांव की और दूसरी छुई खदान की। और आप नीचे देख सकते हैं कि उनकी कोर्ट फी वगैरह कैसे थी और अदालती कार्रवाई वगैरह ये सारे आप देख सकते हैं। और पूरे की पूरी एक परंपरा वहां पर छुई खदान की और राजा नंद गांव की रही है, तो उसको मैं अभी नहीं बात करना चाहता, लेकिन केवल आपकी जानकारी के लिए मैं केवल दिखा रहा था। और ये बैरागी संप्रदाय जो है वो आप देख सकते हैं कि उसका जो उद्भव विकास पीछे से होता आ रहा है वो रामानुजी निमानंदी विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य सेक्ट, जिसे आप कहते हैं वल्लभाचार्य का संप्रदाय और माध्वाचार्य का संप्रदाय, ये 4 संप्रदायों से आगे बैरागी हमें दिखाई देते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको रोकना चाहता हूं, क्योंकि अखाड़ों में जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती थी और किस तरह की प्रक्रियाएं होती थी वो सारी तो है ही है। 7 अखाड़े जो हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिगंबरी, खाकी, कथिया आदि आदि, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा। और एक बात कहकर के मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राज सिंह जी को कि संस्कृत साहित्य में हर्षचरित का जो 3रा भाग है उसमें आपको 2 बैरागियों का जो है वो रेफरेंस मिलता है कि वो हर्ष के जो हैं वो सिपाही सलार एक तरह से रहे हैं, उसके मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं। और उसके बाद और भी संस्कृत साहित्य में हमें इनके कई रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ने
अगर संस्कृत में कोई एमफिल या पीएचडी की है तो निश्चित रूप से बैरागियों का उसने जरूर इन चीजों का रेफरेंस दिया होगा। और 16th-17th सेंचुरी में आकर के ये बड़े प्रभावी हुए हैं और इन्होंने कई तरह के कार्य किए हैं, कई तरह के युद्ध किए हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं सेंट वॉरियर की जो ट्रेडिशन है उसका एक रूप, एक चित्र आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बैरागी भक्ति संप्रदाय से होते होते किस तरह से संत योद्धा के रूप में परिवर्तित होता चला गया, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राज सिंह वैष्णव जी। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ इस बातचीत को आरंभ करें। लगभग 40 मिनट की उनकी बातचीत रहेगी, उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा, जो भी आप लोगों के सवाल जो भी प्रश्न होंगे वो टेकअप करेंगे, और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो है उसके ऊपर विशेष जो वक्तव्य है वो रहेगा। और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स जो है ललित आंगिरस जी जो है, ललित कुमार जी वो राज सिंह वैष्णव जी सर। राजकोष जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्षता जो कर रहे हैं दिनेश शास्त्री जी, दिनेश जी शायद मुझे नहीं पहचानते, उनसे 32-33 साल में गुड़गांव में मिला था, उनके साथ हमारी दूर की कुछ रिश्तेदारी भी हैं, पर उनसे मुलाकात 30-32 साल से नहीं हुई है। और इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव, जितने भी शिक्षाविद जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं इस पर 40 मिनट या एक घंटा मेरे ख्याल ये बहुत कम है, एक ऐसा विषय है जिस पर 4-5 दिन की एक कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन जो भी अभाव है समय का, जो लिमिटेड टाइम हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और विशेषकर उन बिंदुओं पर जो आजकल बहुत चर्चा में है, जैसे राम जन्मभूमि मामले में निर्मोही अखाड़ा, इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, जहां तक बैरागी संप्रदाय के आरंभ की बात है उसके लिए कोई तिथि निर्धारित करना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस वैष्णविज्म से बैरागी संप्रदाय निकलता है, वैष्णविज्म 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या 5000 साल पहले शुरू नहीं हुआ। भगवान विष्णु की उपासना, भगवान राम की उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना अनंत काल से की जाती रही है, लेकिन आज हम में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसमें हम अपने आप को सीमित करते हैं न्यू वैष्णविज्म से, 11वीं-12वीं शताब्दी से हम अपने आप को रिलेट करते हैं, उससे पहले वाले में बहुत सारी चीजें हैं जो उससे कनेक्टेड हैं, पर उस विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं बैरागी संप्रदाय का क्या जो आरंभ है वो 11th या 12th सेंचुरी से मानता हूं, लेकिन चर्चा वहीं से आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म की मुख्य चार शाखाएं हैं, जिसमें शैव, वैष्णव, शाक्त और स्मार्त। अब यहाँ जो दो मुख्य शाखाएं हैं जिसमें शैव और वैष्णव हैं, तो उस वैष्णव परंपरा से हम आरंभ करते हैं। एक ऐसी परंपरा जिसमें भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, वो दोनों रूप में, बाल रूप में भी और उसके बाद के रूप में भी, और जो भगवान राम, तो भगवान विष्णु के अवतारों के साथ थे। इस संप्रदाय में जो पूरी की पूरी परंपरा है उसी को वैष्णव संप्रदाय हम कहते हैं। न्यू वैष्णविज्म जो 11th और 12th सेंचुरी में शुरू होता है उसमें चार प्रमुख संप्रदाय हैं, जिसमें से एक श्री संप्रदाय जिसे स्वामी रामानुज जी ने आरंभ किया और बाद में स्वामी रामानंद जी ने उसको आगे बढ़ाया, जिसे अब हम रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा संप्रदाय आता है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना होती है और ये निम्बारकाचार्य जी ने 11th-12th सेंचुरी में शुरू किया, बाद में राधा वल्लभी संप्रदाय का भी इसमें मर्जर हुआ।
तीसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय, जिसे बाद में वल्लभाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। चौथा संप्रदाय है माध्वाचार्य संप्रदाय, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने बाद में आगे बढ़ाया। तो ये चार पिलर हैं बैरागी संप्रदाय के, जिसे हम चतुर संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। पूरे देश में इन चार संप्रदायों की 52 प्रमुख पीठ हैं, जिन्हें हम 52 द्वारों के नाम से जानते हैं। इन 52 द्वारों में 3 पंजाब में है, जिसमें एक अमृतसर में है और एक ध्यानपुर और पिंडोरी दोनों गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा में 5 जगह हैं, जिसमें एक जगाधरी के पास बुढ़िया गांव है, वहां पर है। एक गोली गांव में है और एक खानपुर में है, एक धुलेड़ा में है, और इसका उप संप्रदाय उप द्वारा शेरी खांडा में है। हरियाणा में जो स्थान है वो ज्यादातर निम्बारक संप्रदाय के हैं, रामानंदी संप्रदाय के सीतामाई और एक दो और स्थान है जो रामानंदी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी संप्रदाय वो हरियाणा पंजाब में ना के बराबर है। ये ज्यादातर राजस्थान के कुछ भाग में और महाराष्ट्र और गुजरात में है। माध्वाचार्य संप्रदाय दक्षिण भारत में है या फिर उत्तर पूर्व में है, कलकत्ता में, क्योंकि वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार प्रसार किया, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ये संप्रदाय ज्यादा है। पर हरियाणा में 4-5 गांव हैं ऐसे जो इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जिसमें एक रिवाड़ी के पास से भाड़ावास का एक बहुत बड़ा मठ है, 10-12 मठ उसके सबोर्डिनेट मठ है। दिल्ली में दरियापुर गांव में एक मठ है और 15-20 गांव उसके साथ एफिलेटेड है। तो इस संप्रदाय का कुछ प्रभाव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में है, लेकिन ये संप्रदाय दक्षिण भारत में ज्यादा है और वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। मणिपुर में और आसाम में भी बाद में ये संप्रदाय काफी प्रफुल्लित हुआ। तो इन संप्रदायों में 2 विंग हुए, एक ही संप्रदाय की पीठ जिनको द्वारा, बाद इसके सबोर्डिनेट मठ हुए जिनको उप द्वारा कहते हैं, और फिर उसके नीचे बहुत सारे स्थल हुए। स्थल मीन्स आस्था का स्थल, जैसे स्थल भोर है, स्थल भोर नाथ संप्रदाय का है। जिस तरह से स्थल भोर है बैरागी संप्रदाय के, ऐसे देश में 700-800 स्थल हैं, जिसमें से 150 के करीब हरियाणा में है और 200 के करीब पंजाब में है, राजस्थान में भी है। हर 15-20 गांव के बाद एक गांव में एक मंदिर और स्थल, उनमें से कुछ आज भी हैं और कुछ का अस्तित्व अब नहीं रहा। तो ये स्थल के रूप में ये संप्रदाय पूरे देश में इनकी ब्रांचेस होती थी। ये जो चार संप्रदाय और उसके 52 द्वारे और उसके सबोर्डिनेट मठ, उप द्वारे और स्थल थे, ये एक तो पूजा के स्थल थे और इनके द्वारा धर्म का प्रचार होता था। इसके बाद क्या हुआ कि जिसको आप अभी डोक्सा में जो बात की कि सैनिकों की बात की कि जो संत भी हैं और सैनिक भी हैं, संत सिपाही की बात की, तो जब भी सनातन धर्म के संतों के ऊपर और हिंदू मंदिरों के ऊपर लगातार हमले होने लगे, और क्योंकि सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, तो इन साधु संतों ने अपनी एक सेना का निर्माण किया। ये दोनों ही संप्रदाय में हुए। सबसे पहले जो शैव संप्रदाय के संत थे और जो मठ थे, उन्होंने अपनी एक सेना बनाई। इसके बाद में वैष्णव संप्रदाय ने एक सेना बनाई। उस सेना को इतिहास में अखाड़ों के रूप में जानते हैं। एक खेल की बात यह है कि इस विषय पर भारत के विश्वविद्यालयों में ना के बराबर रिसर्च है। एक आध रिसर्च कलकत्ता के उसमें है, सरकार जादूनाथ सरकार की एक रिसर्च है इस विषय के ऊपर, उसको छोड़ के हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा ग्रंथ या कोई रिसर्च नहीं मिलती। पर बाहर के विश्वविद्यालयों में इस विषय पर सैकड़ों रिसर्च हुई, जिसमें लंदन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है,
रिचर्ड बुर्गर्ट की, उनकी दो तीन रिसर्च हैं लंदन यूनिवर्सिटी की, इवन इजराइल में हाइफा यूनिवर्सिटी ने भी इस टॉपिक के ऊपर एक रिसर्च की है, कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की इसके ऊपर रिसर्च हैं, वो सब मैंने पढ़ी हैं और उसी से मुझे इतना सब पता चला, क्योंकि देश में ज्यादा मटेरियल इसके बारे में नहीं है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए जो सेना बनाई गई उसका नाम अखाड़े रखा गया। अखाड़ों में स्ट्रक्चर इस तरह से था कि अखाड़े दो तरह की सेना थी, जिसमें शैव संप्रदाय की जो सेना थी उनको सन्यासी कहा जाता था और वैष्णव संप्रदाय की जो सेना थी उनको बैरागी कहा जाता था। अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो सन्यासी और बैरागी का अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन यहाँ पर बैरागी या सन्यासी का अर्थ एक शब्द के रूप में नहीं बल्कि एक टर्म के रूप में है, और यहाँ पर सन्यासी शैव को डिनोट करता है और बैरागी वैष्णव को डिनोट करता है, तो दोनों में ये अंतर है। जो वैष्णव संप्रदाय की सेना थी उसका स्ट्रक्चर ये था कि सबसे ऊपर थी अन्नी, अन्नी जैसे आज के जमाने में एक ब्रिगेड होती है ऐसे अन्नी थी, तीन अन्नी उस वक्त थी जिसमें निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबरी, और इन तीन अन्नी के नीचे सात अखाड़े थे, अखाड़े एक रेजिमेंट की तरह था, उसके नीचे फिर जमात होती थी, जमात एक आप उसको कंपनी कह लीजिए, बटालियन नहीं तो उस फॉर्म पे थी कि एक जो जमात थी, जमात में जो इतिहास में जिसके उदाहरण मिलते हैं, नीम का थाना एक राजस्थान में जगह है, वहाँ पर दो जमात थी जिसमें से बड़ी जमात में करीब 1100 साधु सैनिक थे और छोटी जमात में 600 थे, तो इसे अंदाजा लगता है कि एक जमात कम से कम 500 सैनिकों की थी, 1200 के करीब सैनिक एक जमात में होते थे, और इतिहास में जो इन साधुओं के बारे में जो योद्धा साधु थे उनके बारे में भारतीय इतिहास में जो वर्णन मिलता है वो सबसे पहला वर्णन कबीर की बीजक नामक जो ग्रंथ लिखा था उसमें कबीर दास जी ने इन साधुओं के बारे में लिखा है जो योद्धा भी थे, उसमें उन्होंने कुछ इनके थोड़ा सा नेगेटिव उसमें लिखा है कि ये कैसे साधु हैं जो हथियारबंद दस्ते हैं, जिनके पास इतना सारा धन दौलत भी है, उन्होंने ये सब भी उसके बारे में लिखा है, पर प्रमाण मिलता है कि उपस्थिति का संत योद्धाओं की कबीरदास के बीजक से। जो दूसरा प्रमाण मिलता है वो अकबरनामा में मिलता है, अकबरनामा में एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग में साधुओं के दो ग्रुप हैं जो आपस में युद्ध कर रहे हैं और अकबर उस युद्ध को देख रहे हैं, तो अकबरनामा में उस तस्वीर के माध्यम से, उस चित्र के माध्यम से साधुओं के बारे में काफी कुछ दर्शाया गया है। फिर लंदन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, इजराइल यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, उनमें इन योद्धाओं के बारे में काफी सारा वर्णन मिलता है। जो सन्यासी हैं और बैरागी हैं, शैव और वैष्णव के नाम से, जिसमें एक दो शाखाएं हैं सनातन धर्म की जो वारियर विंग है, उसमें अंतर ये है कि समानता ये है कि हनुमान जी को मुख्य सेनापति दोनों ही तरह के अखाड़ों में माना जाता है, और आज के दिन तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी बनी हुई है जिसमें शैव और वैष्णव दोनों ही अखाड़ों का एक संयुक्त एक संस्था है, जो बहुत सारे धार्मिक आयोजनों में मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, सरकार के साथ जो वार्ताएं होती हैं उसमें भी वो इन अखाड़ों को इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। पर दोनों में अंतर ये है कि भगवा कपड़े जो पहनते हैं वो शैव अखाड़ों के सन्यासी जो संत हैं वो पहनते हैं, और जो बैरागी संत हैं वो सफेद वेशभूषा पहनते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि भगवान हनुमान जी का जो रंग है वो लाल है, तो कुछ हमारे साधु लाल रंग के वस्त्र भी पहनते हैं। तिलक में अंतर ये है कि जो वैष्णव तिलक है उसमें एक
पहले जो वी आकार का एक भगवान विष्णु का जो प्रतीक है उसके आगे चार संप्रदायों की अलग अलग बिंदी होती है। रामानंदी संप्रदाय का तिलक जैसे आप देख रहे हैं ऐसे श्री बीच में करते हैं, निम्बारक संप्रदाय में एक श्याम बिंदी उसमें लगाते हैं, और जो हमारा चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय है उसमें सफेद रंग की एक बिंदी होती है। तो वैष्णव में भी जो चार उप संप्रदाय हैं उन संप्रदायों का अलग अलग तिलक होता है। हथियारों में उनके पास भी तलवार थी, इनके पास भी तलवार थी, तीर कमान उनके पास भी थे, इनके पास भी थे। बाद में जब बंदूकें आई तो दोनों संप्रदायों के पास से बंदूक भी थी। ये उस वक्त जब हिंदू धर्म के ऊपर इतने हमले होते थे तो इन संत योद्धाओं ने, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, जब मंदिरों को तोड़ने से बचाया और जहां मंदिर तोड़े गए तो वहां पर मूर्ति की रक्षा की और उस मूर्ति को फिर दूसरी जगह स्थापित किया। इसका इतिहास में जो उल्लेख है, एक घटना है उसमें 1669 में औरंगजेब का एक फरमान है जिसमें हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए फरमान जारी किया गया था, और उस फरमान पर अमल करते हुए सबसे पहले वृंदावन में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उस मंदिर को तोड़ा गया। जब ये मंदिर तोड़ा गया तो दामोदर दास बैरागी उस वक्त उस मंदिर के पुजारी होते थे, तो मंदिर जब टूट रहा था तो उन्होंने उसे मूर्ति को, उन्होंने जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उसको बचा लिया और एक पेड़ के नीचे उस मूर्ति की स्थापना की और वहां पर वो उपासना उस पेड़ के नीचे करने लगे। बाद में उन्होंने सोचा कि हिंदू राजा उस वक्त बहुत सारी जगह थे तो उनसे निवेदन करते हैं कि उनमें से अगर कोई मंदिर बना दे तो ये मूर्ति वहां स्थापित हो। तो इतिहास में लिखा है कि दामोदर दास बैरागी ने भगवान कृष्ण की इस मूर्ति को बैलगाड़ी में स्थापित किया और कई राजाओं के पास वे प्रार्थना लेके गए कि एक मंदिर स्थापित किया जाए, लेकिन कोई भी राजा मंदिर स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस वक्त जो राजा राज सिंह थे उनकी रानी एक इनकी वैष्णव संप्रदाय की भक्त थी, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया तो राजा राज सिंह ये मंदिर बनाने के लिए तैयार हुए। और आज जो सिहार गांव में राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है उसको राजा राज सिंह ने बनवाया और दामोदर दास बैरागी ने इस मूर्ति को वहां पर स्थापित किया जो आज भी है। तो ये एक प्रमाण है जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। उसी वक्त 1669 में भी एक उद्धव दास बैरागी का जिक्र इतिहास में आता है कि जब काजी अब्दुल मुकर्रम रोज सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे तो उद्धव दास बैरागी से नहीं देखा गया, और एक सुबह उसने उद्धव दास बैरागी का जो सिर है वो कलम कर दिया अपने दो शिष्यों के साथ मिलके। इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, और इतिहास में कई इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि उसके बाद जो जाट आंदोलन हुआ उसका मुख्य कारण ये था कि उद्धव दास बैरागी को औरंगजेब ने सजाए मौत दी थी, और ये घटना जून की थी 1669 की। तो उस घटना के बाद बहुत बड़ा जाट आंदोलन भड़का और भरतपुर के उस राजस्थान के उस एरिया के जो आज के दिन में राजस्थान है, जाटों ने उस आंदोलन में भाग लिया, मथुरा के जाटों में उस आंदोलन में भाग लिया, और एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसे एक बगावत के रूप में देखा जाता है मुगलों के खिलाफ। अब ये धर्म की रक्षा करने के साथ साथ ही इन साधु संतों का भारत की आजादी में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई ऐसे उल्लेख मिले हैं जहां पर इन योद्धाओं ने देश के लिए काम किया, आजादी की लड़ाई में काम किया और अपने प्राणों की आहुति दी। आज ये इस सेमिनार का जो संचालन है वो अंबाला से हो रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले अंबाला में एक ऐसी शहीदी का जिक्र करूंगा। जब हम शिमला जाते हैं चंडीगढ़ से तो रास्ते में धर्मपुर एक जगह आती है, धर्मपुर के पास एक गांव है सुबाथू। सुबाथू गांव में एक निर्मोही अखाड़े का स्थान था, रामानंदी संप्रदाय का एक स्थान था, एक बहुत बड़ा मंदिर था।
और उस मंदिर के महंत थे राम प्रसाद बैरागी। तो इतिहास में लिखा है कि 1857 की क्रांति में जब वे अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, तो उस वक्त राम प्रसाद बैरागी ने वहां जो कंटोनमेंट थे, वहां जो छावनी थी, वहां के सैनिकों को प्रेरित किया, उन्होंने उनमें देश प्रेम की भावना जगाई और उन्होंने दो चिट्ठियां उस वक्त जो हिंदू थे अंग्रेज सेना में, एक सूबेदार मेरठ में, उनके नाम दो चिट्ठियां उन्होंने लिखी। और दो चिट्ठियां उन्होंने लिखी पटियाला के महाराजा को। तो महाराजा पटियाला को जो चिट्ठियां लिखी थी वो चिट्ठियां अंग्रेजों के हाथ लग गई और इन्हीं को लेके इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया राम प्रसाद बैरागी के ऊपर। और सबसे पहले जो फांसी हुई 1857 की क्रांति की वो अंबाला की जेल में, उसमें सबसे पहले राम प्रसाद बैरागी को फांसी दी गई जो सुबाथू के थे हिमाचल प्रदेश में। सरकार उनकी प्रतिमा लगाने के लिए अभी घोषणा की है कि धर्मपुर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, जहां पर ये चंडीगढ़ से जो रोड जाता है उसी चौक के ऊपर, इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। और एक जो शहीद स्मारक बन रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसमें भी इनके नाम का उल्लेख किया जाएगा। ट्रिब्यून ने इसके ऊपर काफी कुछ लिखा है, जागरण ने इससे विषय पर काफी कुछ लिखा है। जो दूसरा बड़ा नाम आता है बैरागी संतों का 1857 की क्रांति में, वो एक नाम है श्यामदास बैरागी, जो जैतों से थे पंजाब। तो श्यामदास बैरागी के बारे में इतिहास में लिखा है कि उन्होंने तो अपनी एक बहुत शक्तिशाली सेना बना ली थी और उस सेना में सिखों का भी बहुत बड़ा योगदान था, सिखों ने बहुत सहयोग दिया श्यामदास बैरागी का अंग्रेजों के विरुद्ध। हालांकि कुछ से जो हमारे देशी जो रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और वो श्यामदास बैरागी के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया और श्यामदास बैरागी को भी वहां अरेस्ट कर लिया गया और बाद में अंबाला की जेल में उनको फांसी दी। तीसरा नाम हरियाणा से आता है, रोनत करके गांव है हांसी के पास, वहां पर बिरड़दास स्वामी एक संत थे, गृहस्थ संत थे वो, मंदिर के पुजारी थे, महंत थे वहां के। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ उस गांव ने बड़ी बगावत की। गांव ये शहीदों का गांव माना जाता है, उस गांव का नाम इतिहास में बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। वो लोग पहले तो कुछ कारणों से वहां पर कोई झंडा भी नहीं फहराया जाता था, तो 3 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री उस गांव में गए थे और उन्होंने ध्वजारोहण का शुरुआत इस गांव में भी की। तो ये गांव में, इस गांव में बिरड़दास से बैरागी का नाम बड़ी प्रमुखता से आता है। एक 1857 की क्रांति में भी अयोध्या में 4 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है, जिनको उस वक्त जो एक पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर जो एक फांसी दी गई थी, उसमें से निर्मोही अखाड़े के एक संत थे रामदास बैरागी। तो जो मेरी जानकारी में है 1857 की क्रांति में, इतिहास में जिनका उल्लेख मैंने पढ़ा है, उसमें से राम प्रसाद बैरागी अंबाला में, श्यामदास बैरागी अंबाला में, बिरड़दास से बैरागी हांसी में और रामदास बैरागी अयोध्या में थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। एक बहुत बड़ा नाम ग्वालियर से आता है, तो ग्वालियर में झांसी की रानी जब अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रही थी और वो लड़ाई होते होते जब ग्वालियर में पहुंची, तो वहां पर फूलबाग नाम का एक चौराहा आया, काफी बड़ी जगह है वो फूलबाग, वहां पर एक नाला था जहां पर उनका उनका घोड़ा घायल हो गया था। उसी फूलदास चौराहे के पास निर्मोही अखाड़े का, रामानंदी संप्रदाय का एक द्वारा है जो 52 द्वारों में से एक है, और उस वक्त वहां पर गंगादास जी महाराज उसके मुख्य महंत थे, द्वाराधीश थे वहां पर, झांसी की रानी के गुरु भी थे। तो जब झांसी की रानी घायल हो गई तो उनके सैनिक को गंगादास जी की जो मठ है उसको गंगादास जी की बड़ी शाला के नाम से आज जानते हैं। अगर आप ग्वालियर जाएं तो फूलबाग चौराहे में
झांसी की रानी की प्रतिमा लगी हुई है मेन रोड पर, और उस प्रतिमा के पीछे ये मठ है, काफी बड़ा मठ है। ये मठ अकबर के टाइम से ही ये मठ है। तो जब झांसी की रानी को घायल अवस्था में लाया गया तो गंगादास जी को गंगा जल पिलाया, और उन्होंने जब वो इतनी ज्यादा घायल हो गई, उनको लगा कि वो शायद आगे बच नहीं पाएंगी, तो उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि उनके बेटे के लिए वो उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ करें। और उन्होंने एक निवेदन ये किया महाराज से कि ये अंग्रेज मेरे मृत शरीर को भी हाथ नहीं लगा पाए, तो जैसे ही मैं प्राणों को त्याग दूं मेरा क्रीमेशन उसी वक्त कर दिया जाए। तो उस मठ में आज भी उस जमाने के हथियार रखे हुए, एक तोप भी है जिसे जून में हर साल प्रयोग किया जाता है, अभी भी प्रोग्राम होगा 18 जून को, वहाँ प्रोग्राम होगा, तो उसमें उस तोप को फिर से उसको प्रयोग किया जाएगा सांकेतिक रूप से। उससे उस लड़ाई में जो अंग्रेजों और झांसी की रानी के बीच हुई थी, बहुत सारे हथियार थे जो उसमें प्रयुक्त हुए, और आज इस मठ में वो हथियार रखे हुए हैं। उन हथियारों की सफाई भी की जाती है और जून के महीने में उन हथियारों की पूजा भी की जाती है। आज भी बहुत अच्छी स्थिति में बंदूकें हैं, तलवारें हैं, काफी सारे हथियार इस मठ में आज भी रखे हुए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं उनको देखने के लिए। तो ये एक जब झांसी की रानी ने प्राण त्याग दिए तो बाबा गंगादास जी की जो कुटिया थी उस कुटिया को तोड़ के झांसी की रानी की चिता बनाई गई और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इतिहास में लिखा है कि जब लेकिन चारों तरफ जो उनके साधु योद्धा थे वो अंग्रेजों को रोके हुए थे, उन्होंने डेड बॉडी तक नहीं पहुंचने दिया, और जब चिता जल के राख हो गई तब एक अंग्रेज ने वहां पर अपना पैर रगड़ते हुए कहा, वो बड़ा उसे परेशान हुआ कि हमें डेड बॉडी तक भी नहीं मिली, जिंदा की तो बात बहुत दूर है। तो एक 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटना ये भी थी जो वैरागी संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर एक उल्लेख में ये भी करना चाहूंगा कि इस देश में जितने भी बड़े मंदिर हैं उन सब का मैनेजमेंट किसी ना किसी वक्त पर वैरागी संप्रदाय के पास जरूर रहा है। अगर आप तिरुपति बालाजी की बात करें तो फिलहाल जो ये गवर्निंग बोर्ड है ये 1933 में बना है। 1933 से पहले तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसका मैनेजमेंट हाथीराम बैरागी मठ के पास था। आप में से बहुत सारे तिरुपति बालाजी गए होंगे, तो बाला तिरुपति जी तिरुपति मंदिर के बिल्कुल पास में एक हाथीराम बैरागी नागौर के थे राजस्थान में, और ये 500 साल पहले वहां पर गए थे तिरुपति जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो वैरागी परंपरा है उसमें एक ऐसी है, ऐसा सिस्टम होता है कि सबसे पहले स्वयं का पिंड दान करना पड़ता है। जो बच्चा वैरागी बनेगा वो 5 साल से 13 साल के बीच की उम्र का होना चाहिए और उसकी वो द्विज होना चाहिए, ब्राह्मण राजपूत या खत्री, इन तीन जातियों में जो मठाधीश बाद में बनते थे। हालांकि अखाड़ों में जो योद्धा होते थे उसमें ये जातियों का बंधन इतना सख्त नहीं था, उसके लिए ये था कि जिनके घर भी ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं वो किसी भी जाति के लोग अखाड़ों में आ सकते हैं, उस वक्त ये परंपरा होती थी। तो ये जो जब स्वयं का पिंड दान करते थे तो पिंड दान करने के बाद जो 52 द्वारे हैं बैरागियों के देश भर में, उसमें से एक पाकिस्तान में है, 51 भारत में है। पाकिस्तान में जो द्वारा है उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। तो इन 52 द्वारों का भ्रमण करते थे और तिरुपति जी जाते थे, और एक चेन्नई के बिल्कुल बीच में एक बैरागी मठ है, इंटरनेट पे आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सा बैरागी मठ बना हुआ है। वो जो बाबा लालदास बैरागी थे पंजाब वाले, इन्होंने वो बनाया था ध्यानपुर में, बाबा लाल दयाल जिनको हम जानते हैं नाम से, बाबा लालदास बैरागी इतिहास में उनका नाम है। तो उन्होंने चेन्नई में भी एक मठ बनाया था जो 500 साल पुराना है। तो ये जो बड़े मंदिर हैं और 52 द्वारे हैं, और इसके बाद अयोध्या,
इन सब का भ्रमण उस वक्त करते थे। तो जो हाथीराम बैरागी थे नागौर के थे, तो जब ये इन सारे द्वारों का भ्रमण करते करते और तिरुपति जी पहुंचे तो उनको लगा कि मुझे यहीं रह जाना चाहिए, तो वो तिरुपति में ही रह गए। और राजा वीर विक्रमादित्य और कई राजाओं ने बाद में उनको जमीनें दी, वहां पर खरीद के दी उसके आसपास से। तो कई हजार बीघा जमीन इस मठ के पास है। आज भी ये माना जाता है कि करीब करीब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हाथीराम बैरागी मठ के पास होगी, और बड़ा भू माफिया वहां पर सक्रिय है, काफी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। इस मठ ने बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं और कई मंदिर बनवाए हैं। इसके ऊपर एक तेलुगु मूवी भी बनी है हाथीराम बैरागी के ऊपर, वो मूवी काफी चली है, उसमें कई साउथ के बड़े एक्टर्स ने उसमें उस मूवी में रोल किया है। अगर हम आज के संदर्भ में इन अखाड़ों की बात करें तो निर्मोही अखाड़ा ऐसा है जो अभी हाल में भी चर्चा में रहा है। जब राम जन्मभूमि का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, निर्मोही अखाड़े का है राम जन्मभूमि के लिए वो सैकड़ों साल पुराना है। जो पहला मुकदमा हुआ है नवाब के कोर्ट में 1855 में, वो निर्मोही वो मुकदमा किया था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो 22 और 23 दिसंबर के बीच की रात 1949 को, जब बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, ये मूर्तियां उस वक्त अभिराम दास बैरागी और वृंदावागी के नाम में FIR हुई थी, ये दोनों निर्मोही अखाड़े के संत थे, तो ये मूर्तियां उन्होंने बाबरी मस्जिद में स्थापित की थी। और बाबरी मस्जिद के सामने राम चबूतरा जो बना था, जिस पर पूजा होती थी, जिसके बेसिस पे ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया, तो ये निर्मोही अखाड़े ने ही, जो बैरागियों का अखाड़ा है, उन्होंने इन मूर्तियों को वहां पर स्थापित किया था। जब इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो इस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया, एक तिहाई हिस्सा रामलला विराजमान, एक तिहाई हिस्सा रामलला विराजमान, एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा और एक तिहाई जो मुस्लिम पक्ष है उनको दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदुओं में निर्मोही अखाड़े को छोड़ के कोई पार्टी नहीं थी, उसमें जो पक्ष था वो निर्मोही अखाड़ा ही था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा आया तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके बहुत सारे लोग इसमें पार्टी बन गए। मैं इस मुकदमा चला तो उसमें निर्मोही अखाड़े का एडवाइजर भी था, और ये जो मुकदमा चला उसमें वकीलों को मैंने ब्रीफ किया, जो सबूत थे वो सब मैंने प्रोवाइड किए, तो इससे मैं पूरे के पूरे टाइम इससे मैं जुड़ा रहा हूँ। तो उस वक्त एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि अगर 3-4 जो हिंदू पक्ष हो गए थे इसमें, ये आपस में विरोधाभासी स्टेटमेंट देते रहेंगे तो फिर इस मुकदमे में जीत पाना मुश्किल होगा। तो सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, मैंने उसमें नेगोशिएट किया था सरकार और निर्मोही अखाड़े के बीच में, कि अगर हिंदू पक्ष से एक ही तरह का बयान दें, एक ही तरह के आर्गुमेंट करें, तो उससे हिंदू फायदा होगा। तो निर्मोही अखाड़े से ये रिक्वेस्ट की गई कि वो जो जमीन का मालिकाना हक है उस पर अपना अधिकार छोड़ दें, तो गवर्निंग बॉडी में निर्मोही अखाड़े को स्थान दिया जाएगा। तो इस प्रस्ताव को निर्मोही अखाड़े ने स्वीकार किया। निर्मोही अखाड़े ने फिर पूजा के हक के लिए ही बस अपने बात रखी, और जमीन पर मालिकाना हक के लिए ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो उसमें निर्मोही अखाड़े की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उसका कंट्रीब्यूशन है, उस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ट्रस्ट बनेगा राम मंदिर के निर्माण के लिए और राम मंदिर के मैनेजमेंट के लिए, उसमें निर्मोही अखाड़े को उचित स्थान दिया जाएगा। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए निर्मोही अखाड़े को उसमें स्थान दिया हुआ है। हम एक संत उसमें नॉमिनेट करते हैं,
तो अभी दिनेंद्र दास जी निर्मोही अखाड़े की तरफ से राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हैं, और निर्मोही अखाड़े की अयोध्या में और भी बहुत सारी जमीनें हैं। एक 3 एकड़ जमीन बिल्कुल रेलवे स्टेशन से 600 मीटर दूर निर्मोही अखाड़े की है, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि करीब 1000 आदमियों के जो श्रद्धालु हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए जाए, उनके लिए रहने की व्यवस्था निर्मोही अखाड़ा करे, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी 17-18 जून को निर्मोही अखाड़े की पूरे देश के संतों की बैठक होगी ग्वालियर में, जो गंगादास जी का जो मठ है जहाँ पर झांसी की रानी ने अंतिम सांस ली थी, उस पर इस विषय पर विचार किया जाएगा। तो ये राम जन्मभूमि को लेके निर्मोही अखाड़े की कंट्रीब्यूशन की बात है। अंगिरस जी ने एक और बात की कि ये जो देश है, ये जो 562 छोटी बड़ी रियासतों से बनकर मिलकर जो बना है, उसमें से 2 रियासत ऐसी थी जिस पर इन बैरागी साधुओं ने करीब करीब 200 साल तक राज किया। और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि हालांकि ये रियासत वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, एक राजनंद गांव में है और एक छुई खदान में है। छुई खदान को भी अभी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है और राजनंद गांव पहले ही डिस्ट्रिक्ट था। ये दोनों रियासत ये पंजाब के साधुओं ने वहां जाके रियासत बनाई। ये दोनों जो पहले राजा थे वो दोनों पंजाब से गए थे। इसमें महंत रूपदास जी जो छुई खदान के राजा बने, ये रियासत 1750 में बनी, जब वीर बंदा बैरागी अपने पहले जो सैनिक मुख्यालय में, जो सोनीपत में खरखोदा के पास शेरी खांडा एक गांव है, जिस मठ का अभी वर्तमान महंत मैं हूं, ये मठ वीर बंदा बैरागी का सैनिक मुख्यालय था। बंदा बैरागी यहां पर करीब 9.5 महीने रहे और हमारे पूर्वज महंत किशन दास वो निर्मोही अखाड़े में बंदा बैरागी के गुरु भाई थे, इन दोनों के गुरु एक ही थे। बाद में जब बंदा बैरागी पंजाब में आए, जो समाना में पहला युद्ध किया, तो उस वक्त इस मठ में एक 11 साल का बालक था जिसका नाम था रूपदास। इस रूपदास ने युद्ध विद्या बंदा बैरागी से सीखी और जब बंदा बैरागी यहाँ आए तो इस बच्चे ने जिद की कि मैं भी बाबा जी आपके साथ चलूंगा। तो बंदा बैरागी ने इनको कहा कि बंदा बैरागी के मराठों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे क्योंकि वो नांदेड़ में रहे, तो उन्होंने रूपदास को नागपुर में राजा भोंसले के पास से भेज दिया और महंत रूपदास 12 साल की उम्र में मराठों की सेना में शामिल हो गए। बाद में जब एक ये छुई खदान जो रियासत थी उसके जमींदार ने अपना लगान मराठों को नहीं दिया तो मराठों के बीच और इस जमींदार के बीच में लड़ाई हुई और रूपदास ने उसका नेतृत्व किया, उस रियासत के ऊपर उन्होंने युद्ध में जीता उस रियासत को, और मराठों ने रूपदास को उस रियासत का राजा बना दिया। फिर रूपदास के जो शिष्य थे तुलसीदास, वो तुलसीदास उनके बाद वहां के राजा हुए, फिर उनके बाद बाल मुकुंद दास उनके राजा हुए, फिर लक्ष्मण दास राजा हुए, और लक्ष्मण दास ने शादी कर ली तो उसके बाद जो अगले महंत हुए, जो महंत भी थे और राजा भी थे, वो श्याम किशोर दास हुए। किशोर दास शेरी खांडा के महंत थे क्योंकि ये उसी वंश से जाते हैं, तो बाद में ये किशोर दास टाइटल बाकी के राजाओं ने सरनेम के रूप में प्रयोग किया, जिसमें श्याम किशोर दास फिर राजा बने, राधा बल्लभ किशोर दास राजा बने, भूधर किशोर दास, और आखिरी राजा ऋतुपर्ण किशोर दास है। ऋतुपर्ण किशोर दास से 1 जनवरी 1948 तक के ये छुई खदान के राजा थे, और जब 1 जनवरी 1948 को इस रियासत का भारत में विलय हुआ तो फिर ऋतुपर्ण किशोर दास से 1952 में पहली बार एमएलए बने, फिर 1957 में 2 बार एमएलए रहे। तो ये कहानी, ये इसमें बहुत सारी और इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा कि इन जो बैरागी राजाओं चरित्र था वो किस किस्म का था, कि जब अकाल पड़ा तो ये किस तरह से पब्लिक की इन्होंने सेवा की,
और जब अंग्रेजों ने नहीं करने दी तो फिर एक राजा तो छोड़ के अयोध्या में चले गए थे, तो उतने डिटेल में अभी जाता है इसमें। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उसमें उसका अभी इजर लोक साहब ने अभी बताया था, वो सारी चीजें उसमें है। जो दूसरी रियासत थी वो रियासत थी राजनंदगांव की। राजनंदगांव की रियासत 1665 में बनी थी और प्रहलाद दास बैरागी इसके पहले राजा थे जो पंजाब से गए थे। बाद में फिर हिमांचल दास और उनके और शिष्य ये उसके राजा रहे, जो छत्तीसगढ़ के विकास में इन बैरागी राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अभी कुछ दिन पहले इस विषय पर वो बापू के 3 मंदिरों के बारे में फिर चर्चा हो रही थी, तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इन बैरागी राजाओं ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक संग्रहालय बनाया था। ये संग्रहालय बना था 1875 में, और इस संग्रहालय में जो ये बापू की 3 मूर्तियां हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, ये मूर्तियां उस संग्रहालय में आज भी रखी हुई हैं। ये अब तो भारत सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के पास ये संग्रहालय है, और इन मूर्तियों में क्यूरेटर की रिपोर्ट लगी है कि ये 17वीं या 18वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, और ये मूर्ति राजनंदगांव के बैरागी राजा के व्यक्तिगत संग्रहालय से प्राप्त की गई थी, और 1875 से तो ये मूर्तियां उस संग्रहालय में रखी हुई है। और इतिहास में 2 उल्लेख हैं कि जब महात्मा गांधी रायपुर में गए थे और उन्होंने ये संग्रहालय विजिट किया, उनकी जो सभा हुई वो इस संग्रहालय से 1 किलोमीटर दूरी थी, तो संभव है कि महात्मा गांधी इस संग्रहालय में भी गए हों और उन्होंने इन मूर्तियों को देखा हो, और बाद में पूरे देश में जो नैतिक शिक्षा इन बंदरों के वानरों के माध्यम से दी गई है उसका प्रचार किया। यहां मैं एक उल्लेख और करना चाहूंगा कि जो हमारे अखाड़े हैं, शैव अखाड़े भी और वैष्णव अखाड़े भी, सन्यासी अखाड़े भी और बैरागी अखाड़े भी, इनमें मुख्य सेनापति, मुख्य आराध्य हनुमान जी को माना गया है। और आप सब जानते हैं कि वानर को हनुमान जी के प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो बंदरों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने का एक ये भी कारण था कि हनुमान जी की जिस तरह से हनुमान जी की पूजा पूरा सनातन धर्म में जो उनका उनका स्थान है, तो वानरों के माध्यम से ये नैतिक शिक्षा अखाड़े के साधुओं ने पत्थर से ये मूर्तियां बनाई। ये मूर्तियां इस डॉक्यूमेंट्री में भी हैं जो जो डॉक्टर साहब ने वो किया, इसकी पिक्चर उसमें भी है, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनसे पता चलता है कि उस वक्त जैसे इन पत्थरों को तराश करके मूर्तियां बनाई गई तो कोई ग्राइंडर वगैरह यूज नहीं हुआ, किसी मशीन का यूज उसमें नहीं लग रहा, छीनी हथौड़े से बनाई गई होंगी ऐसा उन मूर्तियों से साफ लग रहा है। रायपुर में जो राजकुमार कॉलेज है बहुत बड़ा 80-85 एकड़ में है, जहां पर छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा के सभी राजकुमारों की शिक्षा वहीं होती है, वहां का सबसे बड़ा कॉलेज वही माना जाता है, कॉलेज नहीं बल्कि स्कूल है, उसका नाम राजकुमार कॉलेज है लेकिन ये स्कूल है। तो ये भी इन बैरागी राजाओं ने बनाया था। और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है आज भी वो राजनंदगांव में है। तो जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उन्होंने पब्लिक से जो टैक्स वसूल किया, उससे जो महल बनवाए, उससे जो प्रॉपर्टियां खरीदी, उस पर अपना व्यक्तिगत हक जता दिया और सब पे कब्जा कर लिया। पर इन बैरागी राजाओं ने नैतिकता का परिचय वहां भी दिया, वो राजमहल और वो सारी की सारी जो उनके पास से जो भी विरासत थी वो सब सरकार को सौंप दी, और आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज इन बैरागी राजाओं के राजमहल में चलता है। तो ये उनका जो संत प्रवृत्ति का एक उदाहरण है कि वो बाद में भी इस तरह से रहे कि जब देश आजाद हुआ तो अपना सब कुछ देश को ही सौंप दिया और फिर वो सामान्य व्यक्तियों की तरह रहने लगे। तो ये एक विशेष संदर्भ है। सर, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए
हाँ लोकसभा का भी अभी जी ये क्योंकि पूरा तो ये नहीं हो सकता, तो मुझे थोड़ा सा इसको पूरे करना पड़ेगा। जी जी कोई बात एक नहीं। मैं यहाँ एक संदर्भ और पंजाब से वो करना चाहूंगा कि पंजाब में मलोड एक रियासत है, तो इस मलोड में दरिंग बैरागी एक राजा हुए थे जो वैष्णव संप्रदाय के थे, उसका वर्णन पंजाब से आता है। तो वैसे तो विषय ऐसा है कि ये पूरा हो पाना मुश्किल है। हाँ, मणिपुर का एक संदर्भ मैं और 2-3 मिनट और लूंगा, मणिपुर का एक संदर्भ और दूंगा कि 1709 से पहले मणिपुर में सनातन धर्म नहीं था, मणिपुर में कोई हिंदू नहीं था। मणिपुर में सनातन धर्म को ले जाने वाले ये बैरागी संत थे, वहां पर रामानंद संप्रदाय के शांतिदास बैरागी 1709 में गए और राजा को वैष्णव दीक्षा दी। इसके बाद वहां निम्बारक संप्रदाय के संत भी गए। जनसंख्या देखें तो उसमें मेजोरिटी हिंदुओं की है, वो सब वैष्णव हैं और गोड़िया संप्रदाय को फॉलो करते हैं। उनमें सब में तुलसी की माला वो सारी परंपराएं वो आज भी निभाते हैं। और बहुत बड़ा इम्फाल में एक हनुमान जी का मंदिर है। डॉक्टर साहब आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। समय अभाव है इसलिए आज की चर्चा यहीं पर मैं इसको पूर्ण करते हैं तो नहीं कहूंगा, पर यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर अगले एपिसोड में फिर आगे की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही एनलाइटनिंग टॉक आपकी रही है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और फुल ऑफ इंसाइट्स, और इसी की अपेक्षा हमें थी। ये सही है कि एक वेबिनार में हम सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन लोगों में उत्सुकता उत्पन्न कर सकते हैं, लोगों में एक जागरूकता ला सकते हैं कि इस विषय की ओर सोचें समझें और फिर भारतीय संदर्भों में इन सारे विषयों का अवलोकन करें। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम जो कुछ जानते और पढ़ते लिखते हैं उसका भारतीय संदर्भ नहीं है, और यहीं पर हम लोग जो हैं वो इंडिया दैट इज भारत में फंस जाते हैं। तो लेकिन ये आपने जो कुछ आज हमें बताया है, जो कुछ हमें सूचनाएं दी हैं, इसको निश्चित रूप से हम और अग्रसर करेंगे और इस सारी जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बैरागी संप्रदाय है इसको हम और विकसित करेंगे आपके सहयोग से, और निश्चित रूप से इसमें सहयोग डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी का भी रहेगा, क्योंकि अब तो मुझे ये भी पता लग गया है कि भी वो 19वीं पीढ़ी के हैं अपने बैरागी परंपरा में। तो ये मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य और बड़े मान की बात है कि ऐसे व्यक्ति हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले उनका ही हम अध्यक्षीय टिप्पणी ले लेते हैं और प्रश्न उसके बाद लेंगे, ताकि हम दोनों वक्ताओं से ही जो टिप्पणियां जो बातें हैं उसको हम ले सकें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी को, जो निदेशक हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के हरियाणा सरकार में। उनसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य जो है हमारे साथ साझा करें। मुखम करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद मातरम। सर्वप्रथम विद्वान पिता के विद्वान पुत्र माननीय श्री रमाकांत आंगिरसी के युवराज पुत्र श्री डॉक्टर आशुतोष जी को मैं प्रणाम ही नहीं करता हूँ, प्रणाम तो करता ही हूँ, पर मैं आपका कृतज्ञतावश अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। उसके पश्चात आज एक महान व्यक्तित्व, महान विचारक और भारतीय इतिहास के परिपेक्ष में बहुत बड़े उद्घोषक अनुसंधाता डॉक्टर राज सिंह जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, नंदन अभिनंदन और वंदन करता हूँ।
और जितने भी लोग इस विषय में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, जो अध्यक्षीय टिप्पणी है वो कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। अभी माननीय श्री राज सिंह जी ने संपूर्ण शब्द से थोड़ा सा असमर्थता जताते हुए बहुत अच्छी बात कही, और ये सत्य है कि संपूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये निवेदन कर रहा हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी दृष्टि में तो शुरुआत ही आज हुई है। तो आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत लंबा चलना है जी जी, और जितना ज्ञान आपको इस पद्धति का है मुझे तो लगता नहीं कोई दूसरे व्यक्ति को इतना ज्ञान हो, क्योंकि मैं संस्कृत में जुड़ा रहा हूँ पूरे जीवन। मेरे पिता संस्कृत के विद्वान रहे, निम्बार्क संप्रदाय से रहे, हमें तो ज्यादा पता नहीं था, वो ही हमें बताते रहते थे। और अभी 2 महीने के बाद उनकी 9 पुस्तकें आएंगी, अद्भुत है सारी, और बड़ा उन्होंने उन पर विचार किया है, कुरुक्षेत्र के ऊपर है, और एक पुस्तक तो उनकी आएगी। मैं राज सिंह जी से निवेदन कर रहा हूँ कि उस कार्यक्रम को मुख्य रूप से हम आपको समर्पित करेंगे, क्योंकि जो काम इतिहास में इस संप्रदाय के ऊपर आपने किया है, वहां मेरा एक ही उदाहरण है, संस्कृत के लोग 2-4 सुन रहे होंगे इस बात को, कि अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बहु है। कालिदास की गिनती होती है तो कहते हैं अनामिका जो अंगुली है हमारी, इसका नाम अनामिका इसलिए रखा गया, यदि कालिदास की बात करते हैं तो कहते हैं नंबर 1 कनिष्ठिका कालिदास, नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 कोई नहीं। तो राज सिंह जी मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपके अतिरिक्त इतना महान विचारक विषय पर मुझे तो लगता नहीं को होगा, और आपको इस विषय पर वेबिनार ही नहीं, आपको मेरे ख्याल से सेमिनार बड़े भी करने चाहिए, और उस बड़े सेमिनार में थोड़ा सा यदि आप इसको और जोड़ दें कि संस्कृत के जो भी इसमें कोई लेखक हुए हों, कोई विचारक हुए हों, कोई दार्शनिक हुए हों, इन साधु संतों की सेवा करने के क्षेत्र में कोई इस प्रकार के नवरत नहीं हो, तो मैं इसको सीधे रूप में संस्कृत अकादमी से जोड़ूंगा। बात यहां पर केवल वैरागी संप्रदाय की नहीं है, बात यहां पर राष्ट्रीय विचारधारा की, क्योंकि जिस विषय को आप लेकर चल रहे हैं वो संत संप्रदाय है, वो इतनी बड़ी संप्रदाय है कि आज यदि भारतीय संस्कृति खड़ी है तो इन जो साधु संत हैं इनकी तपस्या और साधना के कारण ही आज ये सारा इतिहास और संस्कृति खड़ी। जहां तक संप्रदाय और इस विषय पर आपने बड़ा ऐतिहासिक वर्णन किया है, कहां से चले और कहां तक पहुंचे हैं और अभी चल ही रहे, तो मेरा को तो मानना केवल इतना ही था, और वो बात आज मेरी पूरी भी होती दिखाई दे रही है, कि यदि हम ये कहें कि ये कोई एक बहुत बड़ा वर्ग संप्रदाय रहा है, और जैसे आपने बताया कि 3 सवर्ण जातियों के लोग आकर के इसमें एक तरह से भक्ति रस और भक्ति आंदोलन भी इसमें है, और इसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति एक श्रद्धा भी, कि एक संत होते हुए भी भगवान की स्तोत्र इत्यादि का अध्ययन करने के और समाज को दिग्दर्शन कर देते हुए भी वो लोग किस प्रकार से यदि राष्ट्र के ऊपर कोई समस्या आई है, कोई आक्रमण आया, कोई हमला हुआ, तो उन्होंने कैसे डटकर मुकाबला किया, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य उन लोगों ने किया है जिनके कारण आज हम बैठे हैं। और सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ 2 लोगों ने किया है आज जो मैं कह रहा हूँ, वो माननीय आंगिरस जी आपको तो बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े सूत्रधार का काम किया, और जो जानकारी आज राज सिंह जी ने दी है वो जानकारी तो बहुत मुश्किल है जुटा पाना, और सबसे बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं जो आज इतनी बड़ी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के जो विषय में इस वैरागी संप्रदाय के सैनिकों ने, योद्धाओं ने और इन धर्म गुरुओं ने जो कार्य किया है, जिनको वो लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो लोग भी अद्भुत हैं और वो धन्यवादी हैं। जहां तक इनके आगे मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, राज सिंह जी को मेरा निवेदन रहेगा
कि आप राज सिंह जी इस पर काम करें और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मिलूंगा और स्वयं मिलूंगा चल करके, क्योंकि आप राष्ट्र का काम कर रहे हैं, आप कोई एक छोटे संप्रदाय का काम नहीं कर रहे। इस संप्रदाय का जो जो परिणाम है वो सबके सामने है और आपको इसकी जानकारी है, तो मैं तो चाहूंगा इस पर कोई सारे के ऊपर कोई आप बहुत बड़ा कोई ग्रंथ भी आप प्रकाशित कराएं, उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। यदि संस्कृत की कोई बात आती है तो फिर मैं सीधा का सीधा सारा ही खड़ा हूँ आपके साथ, पर इस जानकारी को हम आपसे निवेदन करेंगे कि जरूर प्रकाशित कराएंगे और जरूर इसको समाज के सामने लाएंगे, ताकि इस भारतीय संस्कृति को और इस भारतीय देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसमें एक बहुत बड़ा एक जिसको अंग्रेजी में पोल स्टार कह सकते हैं, एक ध्रुव सितारा कह सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी मात्र आपके पास और आपने कितनी तपस्या साधना की है इसके बारे में तो आप ही जानते हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से चल करके और कश्मीर कन्याकुमारी तक के पूरे वर्ग की एक एक बात को चुन चुन करके आंकड़ों के पास साथ पेश कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक भी आप लोगों ने जो मदद की है, आपने जो रामलला की भी जो बात की, मैंने सारी बातें आपकी सुनी है, तो मैं तो अब आपके सामने केवल नतानन हो करके आप श्रोताओं को और आपको और आंगिरस जी को प्रणाम ही कर सकता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि सामने बैठा हूँ, मेरे सामने दो हाथ है, वही जोड़ करके मैं आपको प्रणाम कर सकता हूँ। लेकिन इस विषय में आप मेरी जहां भी जिम्मेवारी लगा देंगे मैं वहां पर आपको खड़ा ही नहीं मिलूंगा, मैं ग्राउंड पे काम करने वाला आदमी हूँ, इसमें कोई मैं अपनी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, मेरे को काम मिलना चाहिए, ग्राउंड पे मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और इस विषय को बहुत आगे तक लेके चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अध्यक्ष टिप्पणी है भाषण में बदल गई थोड़ा सा, क्योंकि ये विषय ऐसा था कुछ आंगिरस जी ने इसकी पटकथा शुरू से लिख करके बीच बीच में इतना उत्तेजित सा कर दिया कि ये बातें तो मुझे आपके सम्मान में कहनी थी, ताकि इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो राज सिंह जी आज आपने जो जानकारी दी, मैं हरियाणा संस्कृत अकादमी की ओर से तो आपका धन्यवाद करता हूँ, संस्कृत जगत से धन्यवाद करता हूँ, इसमें संस्कृत के विद्वान भी जुड़े हुए हैं, हम इन बातों को संस्कृत के विद्वान तक भी पहुंचाएंगे, चाहे आप संस्कृत के विद्वान नहीं है पर आप संस्कृत प्रेमी हैं आप दोनों लोग, हम संस्कृत के पटल पर ला करके इस इतिहास और संस्कृत को जोड़ करके, जैसे अलकनंदा और मंदाकिनी आकर के हरिद्वार में गंगा बन जाती है, इसी प्रकार से आप दोनों लोगों को साथ लेकर के कड़ी का काम करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं को और आप दोनों महान व्यक्तित्व को मैं दोनों हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपने श्रेष्ठतम जानकारी दी है और इसमें हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावयेत्। जयतु संस्कृतं जयतु। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी विनम्रता के तो मैं कायल हो गया आप इतने विनम्र हैं कि आपने मेरे लिए तो शब्दावली ही नहीं कोई छोड़ी कि इससे अधिक और विनम्र कैसे हुआ जा सकता है। सचमुच इस अध्यक्षीय टिप्पणी में जिस तरह की आपने विनम्रता अपनी प्रदर्शित की है वो वाकई साधुवाद के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, और निश्चित रूप से हम आपको इन सब कार्यों में शामिल करेंगे। राज सिंह जी से भी आपकी मुलाकात होगी, और जो भी बैरागी समाज का भी कार्य है और जो भारतीय इतिहास है उसको करेक्ट करने का जो भी काम है उसमें आपका सहयोग हम लेंगे ही, और निकट भविष्य में कोई ना कोई ऐसा हम लोग आयोजन करेंगे जो पंचकुला में ही अकादमी में ही हम कर सकें, और उसमें संस्कृत और इतिहासकारों को हम बुला करके बिठाएं, उसमें सोशल साइंटिस्ट को बिठाएं और आपस में एक चर्चा करें, और जो करेक्शंस करने वाली हैं नैरेटिव में डिस्कोर्स बदलने के लिए जो अपेक्षित है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने बिल्कुल वीर हनुमान की तरह आपने संस्कृत का जो कार्य है वो अपने कंधों पर ले रखा है, और मैं आपकी प्रशंसा में एक वाक्य ही कह सकता हूँ, न दैन्यम न पलायनम, ये आपकी विशेषता है, आप वस्तुतः इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और अब जो है हमारा, जैसा कि सत्र होता ही है ओपन हाउस डिस्कशन, जिसमें कोई भी सवाल, कोई भी टिप्पणी, कोई भी असहमति सादर स्वीकार्य होती है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ
वो मूलतः बिहार यूनिवर्सिटी से, नालंदा यूनिवर्सिटी से, और बुद्धिज्म के वो प्रोफेसर रहे हैं। और निश्चित रूप से बुद्धिज्म का भी अपना एक परिप्रेक्ष्य रहा है, निश्चित रूप से वैराग्यों के साथ और वैष्णवों के साथ उनका भी संपर्क रहा है। तो एक संक्षिप्त टिप्पणी उनसे, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर बिशंभर जी, बिशंभर दास जी भी जुड़े हुए थे। यदि वो मेरी बात सुन रहे हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी अपनी टिप्पणी या जो भी बात कहना चाहे। जी अविनाश जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अपने पूर्ववर्ती दोनों वक्ताओं की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने सम्यक रूप से वैरागी संप्रदाय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। वस्तुतः अगर वैराग शब्द को आप देखेंगे तो ये सृष्टि के बराबर ही प्राचीन शब्द है, क्योंकि इसकी कोई न तो जाति है, न मत है, न समुदाय है, बल्कि वह जाति जो मन से विरक्त हो जाता है या श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह वैरागी कहा जाता है। और इसकी प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि नाम वैराग्य दशं विप्राणः कम वैराग्य क्रम वैराग्य स्तोनी चह, ज्ञान वैराग्य ममो द्रुहि, त्याग वैराग्य मम दुर्लभ। अर्थात जो नाम से वैरागी है वह 10 ब्राह्मणों के बराबर है, जो क्रम से वैरागी है वह 100 ब्राह्मणों के बराबर है, जो ज्ञान से वैरागी है वह मेरे समान है अर्थात भगवान कृष्ण के समान है, और जो त्यागी होते हुए भी वैरागी है वह मुझसे भी महान। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि वैरागी संप्रदाय आज की अत्यंत ही प्राचीन संप्रदाय है, रादर सृष्टि के समय से ही वैरागी की परिकल्पना आरंभ हो जाती है। मैं विशेष नहीं बोलते हुए मैं वंदा वैरागी जी का स्मरण बराबर करता रहता हूँ, और मैंने देखा कि वो लक्ष्मण दास उनका नाम था और बड़े धनुर्धर थे, और उनसे गलती से एक हिरण की का वध हो जाता है, उसके पेट में बच्चे रहते हैं और बच्चा तड़प तड़प कर मर जाता है, उसने वैराग्य ग्रहण कर लिया और नाम हो गया माधोदास। और उसी समय उनको मन कहाँ से लगता जब स्वतंत्रता सीता थी जब तक ऋतु के बंदी खाने में, तो उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 बच्चों की मृत्यु हो चुकी, हत्या हो चुकी थी, और उन्होंने ही इसे आदेश दिया कि अब तुम देश की स्वतंत्रता का अभियान आरंभ करो। तो मैं देखता हूँ आपने बड़ी ही अच्छी बात कही है कि इन वैरागियों में केवल त्यागी और तपस्या ही नहीं है, बल्कि देश सभ्यता संस्कृति सबों के बचाने के लिए शौर्य के प्रतीक के रूप में भी वैरागी को ले माना जाता है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं उससे अधिक बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वैरागियों के इतिहास पर मेरा उतना ज्ञान नहीं है। तो अभी मुझे यही ज्ञात हुआ कि उन्होंने मरते दम तक हिंदू धर्म को बचाने के लिए युद्ध किया, उनके शरीर के सारे चमड़ों को हटा लिया गया, मांस को हटा लिया गया, और मरणोपरांत उनके बच्चे के मांस को भी उनके मुंह में डाल दिया गया। लेकिन वह व्यक्ति ने कहा कि मैं हिंदू धर्म के परित्याग नहीं कर सकता, मैं इस्लाम ग्रहण नहीं कर सकता। वैरागियों का यह उत्कृष्टतम जो व्यवहार हमें जो देखने को मिलता है वह अत्यंत ही श्लाघ्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सृष्टि की समस्त चेतना का वंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने जिस तरह से अपने भाव प्रकट किए हैं वो वाकई प्रशंसा के योग्य हैं। डॉक्टर अनीता नैन जी जो जनता कॉलेज कॉल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस आयोजन की मुख्य भूमिका में भी उनका सहयोग है, उन्होंने हाथ खड़ा किया। मैं निवेदन करता हूं कि अपनी बात वो हमारे साथ जरूर साझा करें। जी सर्वप्रथम सभी माननीयों को मेरा सादर अभिवादन, आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई, इतना सुंदर विषय आपने चयन किया है। मैंने सुना अभी, मैं आरंभ से ही जुड़ी हुई हूँ इस वक्तव्य के साथ, बहुत ही सारगर्भित शब्दों में माननीय राज सिंह वैष्णव जी ने हमारी शंकाओं का भी और बहुत ही सुंदर रूप में प्रकाश डाला वैरागी संप्रदाय के समस्त अखाड़ों पर और कहां कहां पर संपूर्ण भारतवर्ष में इनका योगदान रहा है और मठ जो फैले हुए हैं उन पर बहुत सुंदर शब्दों में प्रकाश डाला। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ माननीय महोदय का।
उसके उपरांत माननीय संस्कृत अकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में अपनी टिप्पणी यहाँ पर प्रस्तुत की। तो कहने को कुछ बचता नहीं है विशेष, क्योंकि बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने हमारी शंकाओं का समाधान किया है। फिर भी चूंकि मैं इस संप्रदाय से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुई हूँ, मैं भी बैरागी संप्रदाय से संबंध रखती हूँ सर। तो मुझे जिज्ञासा थी आरंभ से ही अपना इतिहास जानने की। वैसे तो समय समय पर कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, किंतु आज बहुत ही आनंद हुआ कि आपने भी जैसे संस्कृत साहित्य में भी इसका उल्लेख किया, हर्षचरितम में, तो और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम और जाने अपने बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो थोड़ा सा मैं दो शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगी कि जो वैरागी शब्द है, वैराग्य जो इसका जो मूलभूत शब्द है तो संस्कृत साहित्य में उससे निकला हुआ है, और ये इतना ही प्राचीन है जितनी की ये सृष्टि है। और वैरागी कोई जाति या धर्म या संप्रदाय या मत नहीं है, और ना ही किसी एक विशेष समुदाय या जाति को वैरागी कहा जा सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न जातियों में से जिन जिन लोगों ने वैराग्य को धारण किया और ये संकल्प लिया अपने देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए या समाज सेवा के लिए, और उन्होंने बड़े ही त्याग में जीवन को स्वीकार किया, उनके पीछे वैरागी शब्द लगता चला गया, वो भले ही किसी भी जाति से संबंध रखते हो। मैंने अपनी अल्प बुद्धि से थोड़ा सा ये जाना भी है और पढ़ा भी है। और वैरागी जो शब्द है वो एक ऐसी श्रेष्ठ अवस्था है जब इंसान अपने अंदर को समझता है और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और ब्रह्मांड के साथ अपने रिश्ते को पहचानता है। तो वैरागी शब्द का अपने आप में ही एक अर्थ निकलता है कि स्वयं को ही ढूंढना और त्याग में जीवन को व्यतीत करना परमात्मा में लीन रह करके। तो इस तरीके से अगर हम इसको जाने और अपने इतिहास को पहचान करके गौरवान्वित हो सके, ये मेरी आगे जिज्ञासा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम अनीता, और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आप स्वयं बैरागी हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं किसी न किसी कार्य में आपके आपको जोड़ लेता। मैं जी, आगे के लिए हाँ जी हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ सर जी। हाँ, निश्चित रूप से ये जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बैरागी है, इस काम को आगे बढ़ाने में मुझे आपका सहयोग चाहिए, और भी आपके संपर्क में अगर कोई लोग ऐसे हैं तो निश्चित रूप से उनका आप हमें डाटा भी दीजिए, उनके बारे में बात भी करें और इस प्रोजेक्ट को स्वयं भी आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच। और कोई अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहता हो? हमारे साथ विशंबर दास जी जुड़े हुए थे, निश्चित रूप से वो भी बैरागी होंगे, या किसी और की कोई टिप्पणी हो तो, यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, नहीं तो मैं डॉक्टर ललित कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। चलिए, मुझे लगता है कि और अभी कोई सवाल नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन अपेक्षा मैं कर रहा था क्योंकि ये बड़ा ही व्यापक विषय है और बहुत इसके जो आधार हैं, अंतरधाराएं हैं, बल्कि आधार से भी ज्यादा अंतरधाराएं जो है उनको छूना, उनको समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम इतिहास की दिशा ठीक कर सकते हैं और जो करेक्टिव मेथड्स हमें समाज में चाहिए वो हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व कि ललित जी धन्यवाद करें, मैं कुछ पंक्तियां, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उनमें से कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। सारी कविता नहीं मैं पढ़ रहा, लेकिन जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पोर्शन को, जिससे कि बैरागी का जो स्वरूप है, जो उसके जीवन है, जो उसका सार है, वो आप लोगों को स्पष्ट होगा। ये कविता डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी द्वारा लिखी गई थी पिछली बार जब वेबिनार हुआ था, सेमिनार हुआ था ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये पांचवा आज का सेमिनार है इसी कड़ी में। 2016-17 से हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया हुआ है। तो उसमें आप ये देखिए, पहला, लोक जीवन में विषमता को मिटाने के लिए, गगनचुंबी अहंकारों को गिराने के लिए राम जी ने कहा मुझसे, चिर उपेक्षित अंत्यजों के द्वार पर जाओ, मिलूंगा मैं वही तुमको, यूं प्रतीक्षा से न घबराओ। और अंतिम कुछ पंक्तियां मैं आप को दोबारा से
बीच का मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी तो अगर आप चाहेंगे तो मैं ये पावर पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। मैंने तुम्हें शस्त्र दिया अग्नि दहकाने को, शस्त्र दिया क्रूरता मिटाने को, पर दुख कातरता दी मनुष्यता बचाने को। समय है अब संत और सिपाही का एक साथ रूप धरो, राम को समर्पित हो वैरागी लक्ष्मण से, शुभ के लिए जूझ मरो। तो कुल मिलाकर के ये वैरागी होने का सार है, जिसमें ये सार है वो वैरागी है, चाहे वो कोई है, काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, लेकिन अगर ये वो स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से वो वैरागी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर ललित जी को कि वो सभी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आशुतोष सर जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने रखा सर, थैंक यू सो मच। और एज ए स्टूडेंट भी मैं आपकी सेवा में रहा हूँ कॉलेज में, और आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगता है। कई ऐसी इतिहास की बातें जो हमें नहीं पता वो हमें आपसे सीखने के लिए मिलती है। थैंक यू सो मच सर। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राज सिंह वैष्णव जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर, क्योंकि जो बातें आपने बताई वैरागियों के बारे में कि किस तरह से बंदा बहादुर कौन थे, कहाँ से वो वैराग उन्होंने लिया और किस तरह से धर्म की रक्षा करने के लिए एक अलग से सेना बनाई गई जो आज अखाड़ों का रूप ले चुकी है, आपने बड़े विस्तार से हर पॉइंट को बताने की कोशिश की है सर, थैंक यू सो मच। और आपका कंट्रीब्यूशन जैसे कि आशुतोष सर जी ने बताया वो बहुत ज्यादा है सर। और मैं तो ये भी चाहूंगा आशुतोष सर कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो सर आप प्लीज मुझे भी इन्वॉल्व करें, मेरा बड़ा दिल है। जी जी बिल्कुल जी। और हाँ जी सर, दिनेश जी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा सर, आपने बड़े विस्तार से और आपने अभी ये भी बताया था कि किस तरह से आप तैयार हैं फ्यूचर के लिए राज सिंह जी को अपना सहयोग देने के लिए। तो आप जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो हम जैसे यूथ है जो आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है एक तरह से कुछ करने की, और आपके द्वारा जो ये बीज डाले जाते हैं नई पीढ़ी के अंदर कहीं ना कहीं वो देश के लिए काम आते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आशुतोष सर जी के साथ भी कर रहा था कि श्यामदास नाम का एक जो वैरागी था और जो राम प्रसाद नाम के वैरागी था, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था। राम प्रसाद वैरागी जो 1857 की रिवोल्ट 1857 की हुई है, अंबाला की जेल में उन्हें सबसे पहले फांसी दी गई। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी ऑनेस्टली मुझे भी फर्स्ट टाइम ये पता लगा है सर, और क्लास में बच्चों साथ इस चीज को शेयर करूंगा जहां मुझे मौका मिलेगा। तो आशुतोष सर हमेशा एक बात कहते हैं कि संस्कृत इतिहास की जननी होती है, माँ होती है, और जिसने संस्कृत को नहीं जाना अपनी वो इतिहास को नहीं जान सकता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इन फ्यूचर अगर कुछ आप ऐसा ग्राउंड लेवल पे कोई काम करेंगे तो मैं प्लीज इसमें आप मुझे इन्वॉल्व करें, मैं काम करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का एसडी कॉलेज की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ललित जी, आपके उत्साह को देख करके मेरा भी उत्साह बन जाता है। तो निश्चित रूप से आपको मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट में हम जरूर इन्वॉल्व करेंगे। नरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि ये एक जिक्र आया था, मैं मूल तो अभी दिल्ली रहता हूँ लेकिन मैं वो बुढ़िया वाले उस स्थान पे एक बार मेरा जाना हुआ है क्योंकि यमुनानगर रहे और बीच में जिक्र आया। दूसरा एक इन्होंने बावन द्वारा में एक स्थान पाकिस्तान का था, शायद समय भाव में उसका जिक्र नहीं आ पाया अगर उसकी थोड़ी। तीसरा मुझे लग रहा है जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है या इंसाइक्लोपीडिया की बात है, थोड़ा सा इस पे और अच्छे से अगर प्रकाश पड़े तो ये जानकारी जो है निश्चित रूप में लिखित रूप में सामने आनी ही चाहिए। ये तीन विषय मेरी तरफ से थे। जी जी निश्चित रूप से इसको सर हम जल्दी करेंगे क्योंकि मैं भी बीच में और इधर उधर जो है व्यस्तताओं की वजह से इसको ज्यादा परस्यू नहीं कर पाया।
लेकिन ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बैरागी सेट जो है इसको हम कॉलेज की ओर से बढ़ा रहे हैं और उसमें अनुदान जो है हमें डॉक्टर राज सिंह जी से मिला है। तो फिल्म भी है, उसको जरूर आप देखिए जो इसके ऊपर एसेटिक वॉरियर्स ऑफ इंडिया इस नाम से वो मूवी जो है वो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, बड़ी ऑथेंटिक जानकारी है सारी की सारी उसमें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करने से पहले एक मैं सूचना और देना चाहूँगा कि मंडे से जो है वो अभिनव गुप्त जयंती आरंभ हो रही है। 11 तारीख निर्जला एकादशी वाले दिन अभिनव गुप्त महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जयंती होती है। तो इस बार जो है वो कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों के जो ट्रस्ट हैं उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने ये एक आयोजन शुरू किया है। 6-7 दिन ये आयोजन चलेगा वेबिनार्स का। मंडे को हम लोग शुरुआत करेंगे और दिनेश जी जो हैं उस वेबिनार में जो हैं अध्यक्षीय पद भार ग्रहण करेंगे और डॉक्टर रमाकांत जी का उसमें मुख्य वक्तव्य होगा उस दिन। तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि मंडे को, मैं अभी सूचना शाम को भेजूंगा आप लोगों के पास, तो आप लोग जो है उसमें अवश्य जुड़ें। और अभिनव गुप्त जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कमाल की कॉन्ट्रीब्यूशन है भारतीय इतिहास में, साहित्य में, दर्शन में, एस्थेटिक्स में, कौन सा ऐसा पक्ष है जिसके ऊपर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसको जानने, सोचने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए परसों इसी समय पर इसी लिंक पे आप हमारे साथ जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी जुड़े, आप लोगों ने सहयोग दिया। दिनेश जी का विशेष रूप से आभार और उनकी विनम्रता का मैं बहुत कायल हूँ। सर आपके प्रणाम को मैं प्रणाम करता हूँ, आप उसे स्वीकार करें। और डॉक्टर राज सिंह वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार। सर आपके आने से मेरा ज्ञान बढ़ा, इसलिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, आपसे मैं उपकृत हूँ और निश्चित रूप से मेरे से जो होगा बैरागी संप्रदाय का वो मैं अवश्य ही करूँगा। तो पुनः फिर मिलते हैं परसों 10:30 बजे अभिनव गुप्त को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। धन्यवाद। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा प्लीज फॉर्म भर दीजिए, अपने स्टूडेंट से भरवा लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है कॉपी पेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। जी आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। सादर प्रणाम सर। हाँ जी ब्रजेश जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, आप जरूर अपनी टिप्पणी दिया करें डॉक्टर साहब, आपने इतना दायित्व ले लिया है तो लेकिन चलिए मिलते हैं परसों, बात करते हैं और फिर उसको अग्रसर करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, 7 तारीख को मेरे कॉलेज से भी है तो आपको मुझे सामना चाहिए। हाँ हाँ, निश्चित रूप से वो साथ ही साथ सूचना वो भी देंगे और सारा करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।